तो अभी चलिए मशीन में आ गई हूँ मैं। अभी ये घेरा जो है, ये अस्तर वाला घेरा और इसी के साथ ये फैब्रिक, मेन फैब्रिक, इसको अलग कर देंगे। ये बैक पार्ट, ये स्लीव्स, इसको भी अलग कर देंगे। तो इनको मैंने पिनअप कर रखा है, देखिए, ताकि खिसके ना। इस वाले को डायरेक्ट हमें ऐसे ऐसे सिल के ले जाना है, जिस शेप में ये इसकी कटिंग हुई है सेम इसी शेप में। तो ऐसे ही पीछे का गला भी हमारा राउंड होगा इतना सा, तो उसको भी सेम सिलेंगे, कट कट लगाएंगे, पलट देंगे। और काम करना है हमें इस पर, क्योंकि हमें लेस लगानी है। ये मेन गला है, इससे तो हम डायरेक्ट सिलेंगे, कट कट लगाएंगे, पलट देंगे, सेम ऐसे ही बैक पल्ला भी करेंगे। और ये जो साइड वाले एरिया हैं, इन पर लगाएंगे हम लेस, ये वाली लेस और ये वाली लेस। तो बैक पार्ट को सिल के मैंने ऐसे अटैच कर लिया है, पलट लिया है और यहाँ यहाँ से सिल भी लिया है। तो कुछ इसी तरीके से हमें वो पार्ट भी तैयार करने हैं। पिन लगाने से ना ये कपड़ा नहीं खिसकता है, नहीं तो खिसकते रहता, तो इसलिए पिन लगा रखें। ऐसे सिलने के बाद कॉर्नर में कट लगाना भी ज़रूरी है, इससे अच्छे से फिनिशिंग से पलट जाता है। सब जगह से कट कट लगाने के बाद इसको ऐसे पलट देंगे और इस अस्तर के ऊपर हम दाब के सिलाई लगाएंगे, ऊपर में पॉइंट की सिलाई। और मार्जिन जो भी ये हमारा यहाँ दिख रहा है ना, इसे हम यहाँ निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा जो पैनल है इसको तैयार करना है। इस पर हम अभी सिर्फ राउंड वाली सिलाई लगाएंगे, ये वाले लेस फिर लगाएंगे हम। तो अभी देखो, ये हमारे जो ये वाला पैनल है, ये भी रेडी हो गया। इसका गला हमने पलट लिया है। बैक पार्ट की चोली भी हमने रेडी कर ली है, जितना एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको भी बराबर से कट कर लिया है। और फ्रंट पार्ट का एक पैनल ये है, तो इसका भी जितना एक्स्ट्रा था आर्म होल वगैरह में, उसको भी हमने कट कर लिया है। अभी इन दोनों का काम तो हो गया है, अब सिर्फ काम बचा है इस वाले में, वो भी लेस लगाने का। हमें लेस इसके ऊपर रखना है, तो इसको हम अभी तो खोलेंगे ऐसे। सीधे के ऊपर हम ये ट्रायंगल वाली लेस रखेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, कंधे से। तो अभी सुंदर तरीके से मैंने लेस लगा ली है, पूरा जिस शेप में था उसी शेप में। चोली पे हमारी लेस लग गई है, अब इसी तरह से हम स्लीव्स में भी लगाएंगे। इससे पहले हम इसको फिर उल्टा करेंगे और इसको भी हम जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको निकाल लेंगे। इसको ठीक इसी के बराबर सिल के ले जाएंगे। जो हमने अभी सिलाई मार रखी थी लेस लगाते समय, ठीक उसी के बराबर। तो ये हमारी लेस भी लग गई है। इसको मैंने उल्टा क्यों किया था, अब इसे हम सीधा करेंगे। देखिए, यहाँ हम कोई नुकीली सी चीज़ से पलटेंगे, धीरे धीरे पेचकस से पलट रही हूँ मैं। तो अभी चोली का ये हिस्सा पलट के सीधा कर लिया है मैंने और प्रेस से बिठा लिया है। और ये वाली लेस बराबर से लग गई है। सेम ऐसी लेस हमें हाथ की यहाँ पे लगानी है। और एक गलती मैंने ये की कि इसको चेक नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये पूरा खोलना पड़ा। अभी देखो, ये सीधा है और इसको ऐसे इसके ऊपर रखना होता है। ये वाले कंधे इसके साथ लगेंगे और ये वाले कंधे यहाँ पे, ये पट्टी लगेगी इस तरह से। तो पहले ये कॉर्नर जो है छोटा सा था, खोल के दोबारा बड़ा किया तो फिर वो बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया। ये कॉर्नर पहले यहाँ आ गया था, यहाँ छुप गया था इसके नीचे, क्योंकि उल्टा हो गया था ऐसे, मतलब ये ऐसे आ गया था और यहाँ इसके नीचे ढक गया था ऐसे। तो मैं परेशान हो गई, तो पूरा खोला। खोलने के बाद इसको सीधा मैंने कर लिया है और अभी सीधा करने के बाद इसका लुक ही चेंज हो गया है। तो पहले आप एक बार जब इसको और इसको अस्तर से अटैच करोगे तो एक बार देख लेना कि कहाँ हमारा सीधा आ रहा है, कहाँ उल्टा आ रहा है। ये यहाँ नीचे अटैच होगा। अभी इसमें आप इतने से इतना हिस्सा ही रख सकते हो और बाकी इधर वाला एरिया आप काट के अलग कर सकते हो। जैसे ये डबल डबल हो रहा है तो आप इतना ही रख सकते हो। ये कंधा हो गया और यहाँ से इतना एरिया ये, और ये वाला, और इस वाले को आप
निकाल सकते हो इतना एरिया। तो इसे आप निकाल भी सकते हो और रख भी सकते हो। तो इस वाली चोली को जब दोबारा मैंने बनाया, पलट के सीधा किया, तो इसका जो राउंड है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले यहीं से यहाँ तक था, ऐसे ऐसे शेप में था, तो इसके कट कट लगाने की वजह से वो फैल गया था, तो अब ये चौड़ा हो गया है। अभी इसको कटिंग वटिंग कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे, ये दो कंधे, और इसका तो ये वाला नहीं जुड़ेगा, और फिर इसके ऊपर ये बैक पार्ट रखेंगे। तो इन सब के कंधे एक साथ जुड़ा लेंगे, ये और ये कंधे जुड़ाते हैं, और साथ साथ इसकी फिटिंग रखते हैं। और ये वाला पल्ला तो ऐसे ही रहेगा, इस पर बटन लग के, जब बटन लगेगा तो कंधे में चिट बटन ऐसे हुक लगाएंगे। तो इन सब के कंधे जुड़ाते हैं। तो अभी देखिए कंधे सिल लिए हैं मैंने, और कंधे सिलने के बाद आप अपनी फिटिंग लगाओगे, जितनी आपके कमर की फिटिंग है, वी सेंटर से कमर जितनी है और चेस्ट जितनी है वो करोगे। और इसके बाद हम स्लीव्स पे लेस लगाएंगे, इन दोनों जगहों पे लेस लगाएंगे। तो पहले उल्टे का निशान लगा लेते हैं। निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो चोली बिगड़ी है वो इसी वजह से। तो ये सीधा है, निशान मैंने उल्टे साइड से लगा दिया है। ये किया हमने, अब इसको ऐसे पलट देंगे तो ये हमारा लेस लग जाएगी, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखो अभी दोनों स्लीव्स में लेस अटैच कर ली है इस तरह से, और ये दोनों स्लीव्स हैं, इनको इसके साथ अटैच करेंगे, हम दोनों स्लीव्स को लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद ये घेरा हमारा मोड़ना होता है। पहले हम अस्तर वाला रेडी करेंगे, और इस वाले को हम पीको करेंगे, जो इसका ये नीचे वाला घेर है इस पर पूरे पे पीको करेंगे, और इसको हम सिलेंगे। तो इसको किस तरह से सिलना है इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक पार्ट पकड़ेंगे, ये साथ ही ऐसे डबल करके नहीं सिला जाता है, तो पहले इस पर हम एक सिंगल सिलाई पे मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे पूरे को हम बराबर से फिक्स सिलाई में मोड़ेंगे, तो ये आसानी से मोड़ जाता है। पूरा इस तरह से मोड़ने के बाद इसको फिर से हम डबल करेंगे, तो ये आसानी से फिर मुड़ जाता है, फिर हमें इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। एक ही बार में मुड़ जाता है, उसके बाद आराम से। तो इस तरह से घेर भी बड़ी अच्छे से फिनिशिंग से मुड़ जाता है। देखिए अब इसकी कमर, ये ऐसे राउंड शेप में आता है तो खिंच जाता है, तो इसीलिए मैंने फिक्स रखा था इसको, ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखा था। ये जो दोनों घेरे हैं इनको हम ऐसे साइडों से सिलेंगे, और बीच में देख लेंगे कि हमारी कमर 30 है तो 30 निकलना चाहिए, 28 है तो 28 निकलना चाहिए, तो उस हिसाब से हम साइडों से सिल देंगे। तो इसे हम ऐसे साइडों से सिल देते हैं। मेन फैब्रिक भी सिलेंगे, इसके कमर भी सेम ऐसी करेंगे, और लास्ट किनारे पे हम पीको करेंगे। तो दोनों घेरों को हमने सिल लिया है, अब इसे हम सीधा करेंगे ऐसे, और ठीक इसी को इस पर सीधा करेंगे, और इसके साथ हम इसे ऐसे लगाएंगे। ये दोनों जॉइंट हम एक साथ रखेंगे, इसका और इस साइड से भी, और एक सिलाई इसके चारों तरफ लगाएंगे, फिर इसको चोली के साथ अटैच कर देंगे। ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि खिसके ना। जॉर्जेट वाला कपड़ा हमारा खींचते रहता है, तो इसको इसके साथ पकड़ेंगे। पहले देखो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है ये वाला कपड़ा, तो इसको हम फिर छोड़ देंगे। अभी जब हम इसे चोली के साथ अटैच करेंगे तो फिर भी ये ढीला लगेगा, क्योंकि खींच रहा है कपड़ा। अब इस तरह से ये कमर तैयार हो गया है, और ये नीचे पूरा ये घेर है, इधरों को ये पूरा घेर है, जब इस पर पीको हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। अब इसे हम चोली के साथ लगाएंगे, चोली रही ये हमारी। अभी इसमें हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि उल्टा सीधा, बस ये ध्यान देना है कि ये और ये सब साथ में होने चाहिए। और इससे पहले हम कमर नाप लेंगे कि कम ज़्यादा करना है, तो ये एक फिटिंग है और यहीं से हम इसको नापते हुए ले जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे तक फिक्स आ रहा है, तो ये सीधा है, इसको सीधा करेंगे हम, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये इन दोनों जॉइंट को एक साथ पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के डायरेक्ट सिल के ले जाएंगे।
और बाजू भी सेम इसी तरह से अटैच करेंगे पूरे गोलाई में आर्म होल के। तो अभी चोली को कमर से अटैच कर लिया हमने नीचे घेरे के साथ। अभी जो लंबा छोटा हो रहा है इसको हम निकाल देंगे और स्लीव्स हो गए, घेरा हमने फोल्ड कर लिया है। अभी लास्ट बचा है इसमें पीको। पीको करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं। ये यहाँ ऐसे लगेगा और इसके अलावा इसको यहाँ पे पिन सिल भी सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्टिच लगा सकते हैं हम यहाँ पे, और ये ऐसे लगेगा इधर। और ये गला बन गया। ये बस अफसोस है कि ये थोड़ा सा ये कट बड़ा हो गया क्योंकि मेरे से उल्टा हो गया था। और स्लीव्स लगाने के बाद और ये कमर अटैच करने के बाद फिर लास्ट में ये पीको करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी देखो ये है अम्ब्रेला कट फ्रॉक का फाइनल लुक। पीको कर लिया है नीचे से कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप, और गला और स्लीव्स कुछ इस तरह से इसके आए हैं। तो ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा है और रील्स वगैरह में आपने देखा होगा। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई इस गले की, तो इस गले को मैंने एक बार पहना, फिर उसके बाद भी मैंने इसको दोबारा से खोला, फिर इस पट्टी को फिर से बाहर की तरफ लगाया ताकि ये थोड़ा ढगे, नहीं तो ये बहुत यहाँ पहुँच गया था बहुत ज़्यादा। तो ये गलती मेरे से हुई थी। उम्मीद करती हूँ आप ये वाली गलती नहीं करोगे कि ये वाला पार्ट यहाँ नहीं करोगे और इससे ऐसे ढगोगे नहीं। तो देखो एक बार पहले ही निशान लगाना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट किस साइड का है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरी तरफ। तो इस टाइप के ड्रेस मैं फिर से बनाऊँगी और अच्छे से बनाऊँगी क्योंकि ये पहली बार था, तो थोड़ा सा इसी चीज़ में, नहीं तो बाकी आसान था, इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। रात का समय था, जल्दी जल्दी मेरे को वीडियो बनानी थी और खाना भी बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। तो ध्यान नहीं दिया कि कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है, बस ये था कि पूरा करना है, कंप्लीट करना है मेरे को खाना बनाने से पहले। इसको सिलते सिलते रात के 10 बज गए थे मेरे, शाम के 7 बजे से बस पूरा फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कटिंग की वीडियो पहले ही आ चुकी है और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जिसने कटिंग नहीं देखी एक बार कटिंग देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे भी आने वाले दिनों नई नई ड्रेस, नई नई अनारकली, नई नई नायरा कट, नए नए नायरा कट और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।